हम मांग क्या रहे हैं? हम समय मांग रहे हैं राज्यपाल जी से कि अंदर बुलाइए, बात करिए। हल्ला बोल रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हल्ला बोल रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ। ईडी को, महंगाई को और बेरोजगारी को मिलाया क्यों जा रहा है? 5 दिन 55 घंटे इसी ईडी ने श्री राहुल गांधी जी को बिठा कर रखा। गांधी ने भी अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। हम भी ऐसी धाराओं को, ऐसे कानूनों को जो सिर्फ लोकतंत्र की आवाज को कुचलने के लिए थोपी जाएंगी, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, जेल डाल दीजिए। इलेक्शन की बात ही नहीं, पूरा आज देश जहां इलेक्शन नहीं भी हो रहे हैं वो वहां भी आज महंगाई बढ़ी है। आज जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उसकी हम घोर आलोचना करते हैं कि इस तरीके से आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है इस भाजपा सरकार ने। और उसी तरह से बेरोजगारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी ये सोचता है कि हमारे बच्चों को कोई ना कोई रोजगार मिले, पर जो भी दरवाजा वो खटखटाते हैं उनको कहीं भी इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया, और ना ही इनकी सोच है और ना ही ये इस काम को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज सरकार के खिलाफ ये जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर आज हम सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि बार बार हमने इसकी आवाज को उठाया पर सरकार ने हमारी इस आवाज को नहीं सुना। चाहे वो देश भर में आज लोग सड़कों पे उतरकर अपनी आवाज को सरकारों के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और हमारी यहाँ की स्टेट सरकार अवश्य इस पे गौर करेगी और कोई ना कोई फैसला लेकर लोगों को राहत देने का प्रयास करेगी। इस घेराव प्रोटेस्ट के अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक यात्रा भी शुरू हुई है बेरोजगारी के खिलाफ, कितना महत्वपूर्ण है, युवा उसमें शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, आज जो युवा वर्ग सड़कों पर धक्के खा रहा है, ना उनको कोई रोजगार दिया जा रहा है। अभी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती होने जा रही थी, तो कई परिवारों को, गरीब लोगों को ये आश थी कि शायद हमारा एक बच्चा इसमें अगर भर्ती हो जाए तो सरकारी उसको नौकरी मिलेगी। जिस तरीके का घोटाला आज सामने आया, ये कहते हैं ये पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये पेपर बेचा गया है। इनके आला अफसर उसमें इन्वॉल्व है, डीजी पुलिस है, आईजी है, एसपी है, इनके ऊपर, और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमने मांग की थी कि सीबीआई की के द्वारा जांच करवाई जाए, और जब प्रधानमंत्री का दौरा शिमला में था उस वक्त भी हमने ये कहा था कि सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है तो कम से कम वो सीबीआई को आदेश दे और इसका इसकी जांच करवाई जाए। तो उन्होंने इस बात की अनदेखी की है। आज सारे परिवार जिनको आश थी कि हमारे बच्चों को पुलिस में भर्ती की, जिन्होंने तैयारी की थी उनको एक नौकरी मिलेगी, वो उससे भी वंचित रहे। ये बहुत दुखद घटना है। और उसी तरह से आपने देखा ये आर्मी का जो हुआ है उसमें भी ये आवाज बार बार उठ रही थी कि हर साल आर्मी में भर्ती होती थी, हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे, बहुत से बच्चे उन्होंने तैयारी की थी और वो आर्मी में भर्ती होकर देश को अपनी सेवाएं देना चाहते थे। पर ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने उसमें भी ऐसा प्रकरण किया जिसमें उन बच्चों का भविष्य भी धूमल हो गया है। ये बात सिर्फ हिमाचल गुजरात की नहीं है, आप देख रहे हैं प्रतिभा जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष के साथ साथ मंडी से लोगों द्वारा चुनी गई देश की सांसद भी है। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक चुनी गई लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दो महिलाएं राजभवन के बाहर आज बैठी हुई हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? हम यहाँ पर, या प्रतिभा जी यहाँ पर अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई, ना सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने लिए। हम मांग क्या रहे हैं? हम समय मांग रहे हैं राज्यपाल जी से कि अंदर बुलाइए, बात करिए, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। चुनी हुई सांसद यहाँ बैठी हुई है। प्रतिभा जी ने अभी बताया है कि अगर ये दरवाजा राजभवन का नहीं खुलेगा, प्रतिभा जी को हिमाचल के लोगों की जो महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं रखने दी जाएगी, तो वो अपना लोकतांत्रिक अधिकार चुनते हुए यहाँ से दिल्ली रवाना हो रही है। लोकसभा की चुनी हुई सांसद है, सदन के अंदर खड़ी होकर महंगाई के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का विश्वास हिमाचल की जनता को दिलाकर यहाँ से दिल्ली रवाना हो रही है। और अभी जब ये यहाँ पर है, दिल्ली के जितने भी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद इस समय दिल्ली में है, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ
इस समय कूच कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी से मिलने के आ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो दिल्ली में है वो प्रधानमंत्री जी के आवास की तरफ बढ़ चुका है। हमारे जितने भी राज्य हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सारी इकाइयां ठीक इसी तरह जिस तरह से हिमाचल के शिमला के राजभवन के बाहर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है बैठा हुआ है, हल्ला बोल रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हल्ला बोल रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ। ईडी को महंगाई को और बेरोजगारी को मिलाया क्यों जा रहा है? आप करिए ईडी की जांच, स्वागत है। कौन भाग रहा है, क्या सच नहीं है? 5 दिन 55 घंटे इसी ईडी ने श्री राहुल गांधी जी को बिठा कर रखा, हाथ तो कुछ नहीं लगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी 75 साल की हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिला है, चुनी हुई सांसद है, उनको भी 3 बार बुला लिया, कुछ मिला क्या? नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाकर रात भर से बिठाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि ये चुने हुए सांसद हैं, चाहे प्रतिभा जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सांसद हैं। इनकी किस तरह से आवाज जो संसद में उठ रही है उसे दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करके ईडी के कार्यालयों में बुलाकर पूछताछ में व्यस्त किया जा रहा है। आप इन्हें बुला लीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने कह दिया मैं ईडी से डरूंगा नहीं। इस लड़ाई को कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों में लड़ रहा है। 144 धारा लगा दी जाती है, जब भी हम लोकतंत्र के तहत अपनी आवाज उठाते हैं उस कानून का दुरुपयोग किया जाता है 144 लगाकर कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, हम इकट्ठे हुए हैं। गांधी ने भी अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था, हम भी ऐसी धाराओं को ऐसे कानूनों को जो सिर्फ लोकतंत्र की आवाज को कुचलने के लिए थोपी जाएंगी हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, जेल डाल दीजिएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसा हम जानते हैं कांग्रेस ऑल्सो क्लेम्स की यू हैव बीन रेजिंग पीपल वॉइस अक्रॉस द कंट्री इन मुद्दों पर, बट कांग्रेस पार्टी इज नॉट गेनिंग द फेथ ऑफ पीपल, व्हाट इज द रीजन? ये आप कैसे कह सकते हैं? द रिसेंट पोल रिजल्ट्स, हम लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, लोगों का विश्वास हम जीत पा रहे नहीं। मंडी में उपचुनाव हुआ, चारों हमने उपचुनाव महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जीता। आज प्रतिभा जी इसका साक्षात उदाहरण बैठी है। अगर जनता हमारे साथ ना होती तो डबल इंजन की सरकार हिमाचल में औंधे मुंह आकर उपचुनाव में ना गिरी होती। तो ये कहना कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता पूरी तरीके से 2022 में आप देखेंगे कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा जी के नेतृत्व में हिमाचल में भाजपा को सुपड़ा साफ होकर सरकार बनाएंगे और महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को राहत देने का काम ABP Sancha, Josh, Jazba, Junoon.